वेलकम टू दिस वन आइडियाज़। और इस वीडियो में हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होम ऑटोमेशन सिस्टम, वो भी पूरे 17 चैनलों का। इसकी रेंज है अनलिमिटेड, ऑपरेट फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब कि आप इसे दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकते हो। और इस पूरी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे Amazon Alexa ऐप। इसके थ्रू आप अपने अप्लायंसेस को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप मैन्युअली भी ये कर सकते हो, और हाँ, वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। Alexa, turn on tube light. Okay. Alexa, turn on yellow bulb. Okay. Alexa, turn off white bulb. Okay. और इतना ही नहीं, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं PIR यानी मोशन सेंसर का भी। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, हम बनाएंगे काफी इजी वे में कंप्लीट होम ऑटोमेशन सिस्टम, और वो भी पूरे 17 चैनलों का। और फ्रेंड्स, ये आपको मार्केट में 17 चैनलों का होम ऑटोमेशन सिस्टम कहीं नहीं मिलने वाला, और आज हम बनाएंगे इजी वे में अपने घर पर। सो लेट्स मेक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ले लेंगे BC547 NPN ट्रांजिस्टर, और लेंगे 1 kΩ का रजिस्टर, और इस रजिस्टर को बेस वाली लेग पर सोल्डर कर देंगे। स्विचिंग कराने के लिए हम लेंगे 5V का रिले, ट्रांजिस्टर की ईमीटर वाली पिन को रिले के 3rd नंबर वाली पिन से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन के लिए वायर लेंगे, और ब्लैक वाले वायर को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाली पिन, और रेड वाले वायर को रिले का नंबर 1 पिन पर कनेक्ट कर देंगे। और सिग्नल के लिए एक वायर लेंगे, और इस वायर को हमारे रजिस्टर पर लगा देंगे, और हमारा रिले मॉड्यूल हो गया है रेडी। AC पावर कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर मैंने प्लग और एक होल्डर लेकर न्यूट्रल या तो फेज वाले वायर को हम बीच से कट कर देंगे, और मैनुअल फंक्शन देने के लिए यूज करेंगे 2A स्विच का। और इन सारे कनेक्शन का डायग्राम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कट किए हुए वायर को स्विच के कॉमन वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और इसी तरह दूसरा कट किया हुआ वायर जाएगा हमारे रिले के कॉमन वाले टर्मिनल में, और 2 वायर से लेकर हमारे स्विच के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 में कनेक्ट कर देंगे। स्विच का कनेक्शन हो गया है कंप्लीट, और बचे हुए इन 3 वायर को रिले के साथ जोड़ देंगे, और स्विच का टर्मिनल 1 से हम रिले के नॉर्मली ओपन वाले पोर्ट पर कनेक्ट कर देंगे, और टर्मिनल 2 से नॉर्मली क्लोज वाले पिन पर कनेक्ट कर देंगे, और न्यूट्रल वाला वायर हम कनेक्ट कर देंगे रिले के कॉमन वाले पिन पर। और यहाँ पर हम यूज करेंगे ESP32 डेव मॉड्यूल का, इसमें आपको बिल्ट इन वाईफाई देखने को मिल जाता है, और तो इसमें आपको 34 GPRS पिन देखने को मिल जाती है। ये हमारे 17 चैनल होम ऑटोमेशन सिस्टम के लिए परफेक्ट माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। रिले मॉड्यूल का सिग्नल प्रोवाइड करवाने के लिए ESP32 को D33 से रिले का सिग्नल वायर कनेक्ट कर देंगे, साथ ही रिले मॉड्यूल का प्लस और माइनस वाले वायर को ESP32 के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ताकि हमारे रिले मॉड्यूल को मिल पाए 5V का पावर सप्लाई। यहाँ पर हमारे सारे कनेक्शन हो गए हैं कंप्लीट, तो आइए इसे देख लेते हैं एक बार टेस्ट कर। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि ESP32 में मैंने प्रोग्रामिंग की हुई है, प्रोग्रामिंग का पार्ट आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और मोबाइल में ऐप इंस्टॉलेशन की प्रोसेस भी आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगी। ESP32 को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं अपने मोबाइल का ही हॉटस्पॉट यूज करूंगा, और इस हॉटस्पॉट का वही सेम SSID और पासवर्ड है जो कि हमने प्रोग्रामिंग में ऐड किया था। ESP32 ने काफी क्विकली इसे कनेक्ट कर लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो सिस्टम है ये परफेक्टली काम कर रहा है, और मैन्युअली भी काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो आइए सब वॉइस कमांड देकर भी देख लेते हैं। Alexa, turn on relay. Okay. तो जैसा कि देखा आपने, हमारा जो सिस्टम है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, और इसी कनेक्शन को लेकर यहाँ पर मैंने डिजाइन कर ली है 17 चैनल आउटपुट वाली PCB। इसका डिजाइन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाकर आप प्लीज से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस डिजाइन को एक बढ़िया PCB में कन्वर्ट करने के लिए हम विजिट करेंगे JLCPCB.com। और इस कंपनी का इंट्रोडक्शन देते हुए मैं आपको बताता चलूं कि JLCPCB चाइना की बिगेस्ट PCB मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और PCBs के साथ यहाँ पर आप SMT असेंबली वाली सर्विसेज भी ले सकते हो, वो भी काफी चीप प्राइस में, स्टार्टिंग ओनली $7। तो इसे कर देते हैं सिलेक्ट। यहाँ पर मैंने 3 फाइल जो है डाउनलोड कर लिए, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। यहाँ पर हम ऐड करेंगे हमारी जो ग्रेबर फाइल यानी हमारे PCB का डिजाइन, और देखेंगे यहाँ पर हमारा ग्रेबर व्यू शो कर रहा है, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे PCB की क्वांटिटी और कलर, और नीचे जाते हुए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे SMT असेंबली असेंबल ऑन टॉप साइड सिलेक्ट कर हम इसे कर देंगे कन्फर्म। और यहाँ पर आपको 2 फाइल्स की जरूरत पड़ेगी, बॉम फाइल और पिक एंड प्लेस फाइल, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर हम इसे कर देंगे यहाँ पर अपलोड। और PCB पर असेंबली करवाने के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे 1x1 SMT कंपोनेंट्स, और सारे कंपोनेंट सिलेक्ट करने के बाद हमें देखने को मिल जाता है पार्ट्स प्लेसमेंट का एक प्रीव्यू, और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर सिंपली इसे कर देंगे ऑर्डर।
और कुछ ही दिनों के अंदर आपको पीसीबी हो जाएगी डिलीवर। तो आइए फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और यहाँ पर हमको काफी अच्छी पैकेजिंग देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ हमको पीसीबी की क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और हमारे एसएमडी कंपोनेंट्स भी काफी अच्छी तरह से असेंबल्ड किए हुए हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर आपको बताते चलूं कि जो पीसीबी और कंपोनेंट हमें फुल्ली टेस्टेड मिलते हैं, मतलब कि आपको यहाँ पर कुछ डैमेज निकलने का तो चांस ही नहीं रहता। एंड आई हाईली रिकमेंड टू ऑर्डर योर कस्टम डिजाइन पीसीबी ऑन jlcpcb.com। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम ले लेंगे AC to DC 5 वोल्ट का पावर मॉड्यूल, 17 स्क्रू टर्मिनल्स कनेक्टर, 5 वोल्ट के 18 रिले, PCB पर ESP को माउंट करने के लिए बक स्ट्रिप और ESP32। इन सारी आइटम्स का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे इजीली परचेस कर सकते हो। अब हम सारे बाकी के कंपोनेंट्स को PCB पर लगाकर सोल्डर कर देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में कोई भी इस वीडियो के रिलेटेड सवाल है तो नीचे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और दोस्तों, ये मेरी पहली हिंदी में वीडियो है, क्या मैं हिंदी के साथ कंटिन्यू करूं या नहीं, आप मुझे प्लीज कमेंट में सजेस्ट कीजिए। और हमारी पीसीबी हो गई है कंप्लीट, इट्स लुक लाइक अमेजिंग। और अब बढ़ते हैं हम प्रोग्रामिंग पार्ट की ओर, जम करते हैं हमारे कंप्यूटर की ओर और यहाँ पर हम विजिट करेंगे Synerik.com। सो बेसिकली Synerik एलेक्सा की स्किल यूज कर उसे कमांड देता है जिससे एलेक्सा कंट्रोल कर सके अप्लायंसेस को और कनेक्ट कर सके ESP32 को। और यहाँ पर Synerik अकाउंट बनाकर हम कर लेंगे इसे लॉग इन। और डिवाइसेस ऐड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड बटन पर और यहाँ कर देंगे हम डिवाइस सेटअप। यहाँ पर हम कोई भी नेम दे देंगे, जैसे कि दे देंगे Relay 1 और डिवाइस टाइप में हम दे देंगे स्विच। याद रहे, जो भी हम नेम देंगे उसी नेम से हम एलेक्सा को कमांड देंगे। और यहाँ पर हमारा पहला डिवाइस हो गया है ऐड। और इसी तरह हम 1 by 1 पूरे 17 डिवाइसेस को ऐड कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे 17 डिवाइसेस सक्सेसफुली हो चुके हैं ऐड। एंड जंप करते हैं आर्डिनो आईडी की ओर। यहाँ पर मैंने आर्डिनो कोड्स को कर लिया है कंप्लीट। यह कोड्स आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सिंपली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें कुछ लाइब्रेरीज की भी जरूरत पड़ेगी, इन लाइब्रेरीज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पर हमें ऐड करनी पड़ेगी API की, तो ये API की मिलेगी हमारे Synerik पर। तो जम करते हैं हम Synerik की ओर और इस API की को यहाँ से कर लेंगे कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट। और नीचे हम यहाँ पर अपने वाईफाई का नाम जो है वो कर देंगे ऐड और नीचे डाल देंगे हमारा वाईफाई का पासवर्ड। और नीचे की ओर हम यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें डिवाइस IDs को ऐड करना है, ये हमारे पहले चैनल की ID है, तो यहाँ से हम कर लेंगे इसे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। और इसी तरह हमारे सारे डिवाइस IDs को कर देंगे कॉपी पेस्ट। तो दोस्तों, हमारा प्रोग्रामिंग प्रोसेस हो गई है कंप्लीट। सिंपली यहाँ पर हम ESP32 बोर्ड को कर देंगे सिलेक्ट और कर देंगे कोड को अपलोड। कोड अपलोड होने जाने के बाद ESP32 को लगा देंगे PCB पर। अब हमारी PCB हो गई है कम्प्लीटली रेडी, प्रोग्रामिंग हमने कर दी है। अब बढ़ते हैं हम ऐप इंस्टॉलेशन प्रोसेस की ओर। यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर से Amazon Alexa ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। फिर हम मोड्स में जाकर चले जाएंगे स्किल लेंस गेम में और यहाँ सर्च करेंगे Synerik। और Synerik पर टैप कर Synerik के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे इनेबल टू यूज। और यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पर जाते ही यहाँ पर हमें पूछेगा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। और यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस पासवर्ड नाकर स्कैन कर देंगे लॉगिन। यहाँ पर वही पासवर्ड नाकना है जो हमने Synerik अकाउंट में बनाया था। करने के बाद हम जाएंगे डिवाइस में, फिर जाएंगे ऑल डिवाइसेस में और यहाँ पर प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जाएंगे ऐड डिवाइस में और नीचे को स्क्रॉल डाउन करते हुए हम जाएंगे अदर्स में और कर देंगे डिस्कवर डिवाइस। और 45 सेकंड के बाद हमारा डिवाइस हो चुका है सक्सेसफुली फाउंड। और करेंगे चूज डिवाइसेस और यहाँ पर 1 by 1 हमारे डिवाइस को कर लेंगे सेटअप। हमारे अप्लायंसेस हो गए हैं सेटअप, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारी ऐप इंस्टॉलेशन की प्रोसेस भी हो गई है यहाँ पर कंप्लीट। और हमारे सर्किट को AC सप्लाई देने के लिए यहाँ पर मैंने प्लग और वायर के साथ PCB को कर दिया है कनेक्ट। और यहाँ पर हम देख लेंगे कि जो हमारी PCB है वो वर्क कर रही है या नहीं। Alexa, turn on bedroom lights.
ओके सो हमारा होम ऑटोमेशन सिस्टम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब पीसीबी में इंस्टॉल करेंगे पीआईआर सेंसर ताकि हम मोशन से भी अप्लायंसेस को कर सके कंट्रोल। अगर कोई भी इस पीआईआर सेंसर की रेंज में आता है तो हमारी जो लाइट्स है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगी और इसमें आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं ताकि कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाए। और यहाँ पर हम मैनुअल फंक्शन भी जोड़ सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस की ओर और हमारे होम को बना देंगे स्मार्ट होम। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए हमारे घर में जो लगी हुई है पहले से वन वे स्विचेस उसको हम रिप्लेस कर देंगे टू वे स्विचेस के साथ ताकि हमारे सारे अप्लायंसेस को मैन्युअली भी और मोबाइल ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सके। और पीसीबी को वॉल पर माउंट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक वेदर प्रूफ जंक्शन बॉक्स। इसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसे सिंपली परचेस कर सकते हैं और हमारे पीसीबी को इस जंक्शन बॉक्स के अंदर रख कर वॉल पर कर देंगे सब माउंट। और यहाँ पर हमारी सारी टू वे स्विचेस का कनेक्शन कर देंगे हमारे पीसीबी में। कनेक्शन का डायग्राम आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, कनेक्शन की प्रोसेस हो सकती है डेंजरस, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इसे किसी प्रोफेशनल या तो इलेक्ट्रिशियन से करवा लें। और हमारी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस हो चुकी है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हमारा होम बन चुका है स्मार्ट होम। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ऐसे इनोवेटिव आइडियाज मिल सके। और एक बात ये भी कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में आ रही है कुछ दिक्कत या तो चाहिए हमारा फुल सपोर्ट तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और इसी तरह के नए नए आइडियाज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड विद इनोवेटिव आइडियाज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।